नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बिजनेस इनसाइड न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं बिजनेस इनसाइड न्यूज, बिजनेस फैक्ट एंड और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। तो गाइस, पहली खबर के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटेड है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स से, जो कि राइट नाउ उनके राइवल जीरोधा एंड ग्रो से भी बड़ी हो चुकी है कंपनी, और ये हैविली इन्वेस्टेड है रतन टाटा जी से। और अभी राइट नाउ उन्होंने जो उन्होंने वैल्यूएशन उनका जो टोटल निकल के आया है वो 3.1 बिलियन डॉलर का है, एंड उन्होंने अभी रिसेंटली रेज की है 25 मिलियन डॉलर टाइगर ग्लोबल से, एंड वो फाइनली 40th स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न में एंटर हो चुके हैं, यूनिकॉर्न क्लब में। तो गाइस, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि रिलेटेड है ईवी मैन्युफैक्चरिंग एथर एनर्जी से, जो उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपना सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहते हैं होसुर तमिलनाडु के अंदर, जिसमें उनकी कैपेसिटी जो अभी राइट नाउ है 120,000 से बढ़ के 4 लाख यूनिट तक हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ ही वो पूरा फोकस अपना करने वाले हैं बैटरीज के ऊपर भी, तो वो अपना एक बैटरी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी ओपन करने वाले हैं वहाँ पर। तो गाइस, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अब एक कन्वेंशनल व्हीकल से बढ़ के हम अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को इससे बहुत ही फायदा होगा। बट हमें ये भी देखना होगा साथ साथ में कि ईवी के आने की वजह से जो बैटरीज का जो वेस्ट है उसको हम कैसे डील कर पाते हैं इन फ्यूचर के अंदर, क्योंकि अभी तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लग रही है हमें, बट इन फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। तो गाइस, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं स्नैपडील की आईपीओ से रिलेटेड। तो स्नैपडील भी अपना आईपीओ लाने वाला है 2,000 करोड़ का, उन्होंने वो प्लान करने वाले हैं दिसंबर तक ड्राफ्ट फाइल करने का। तो गाइस, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्नैपडील का आईपीओ आई थिंक उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी राइट नाउ स्नैपडील का उतना अच्छा कंडीशन नहीं है और वो लॉस मेकिंग कंपनी भी है, तो कहीं ना कहीं उनके जो इन्वेस्टर्स हैं बस वो मार्केट से पैसे लेके वो फ्री होना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इनका आईपीओ कितना अच्छा या नेगेटिव जो भी है, देखते हैं कितना हो पाता है। सो आप वॉच करते रहिए बस। तो गाइस, अगली खबर इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो ट्विटर के जो सीईओ हैं अभी रिसेंटली वो स्टेप डाउन हो चुके हैं, जिनका नाम है जैक, एंड नाउ जो नए सीईओ हैं वो इंडिया से ही हैं, उनका नाम है प्राग अग्रवाल। सो फाइनली अब काफ़ी आप जितना भी देख पाओगे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ मैक्सिमम इंडिया से ही है। सो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया का टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि बाहर जाके अच्छे से ग्रूम हो रहा है और ज़्यादा, एंड इंडिया को प्राउडली फील भी करवा रहा है। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट एप्पल के सीईओ कौन होते हैं। तो गाइस, फाइनली बाउंस ने अपना खुद का ई स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है इन्फिनिटी E1, और उसके जो उन्होंने प्राइस रखी है वो 68,999 के अंदर है, और राइट नाउ आप बुकिंग भी करा सकते हो 499 के अंदर और वो रिफंडेबल रहेगा। तो बाउंस एक पहले तो एक स्टार्टअप था जो कि आपको एक व्हीकल प्रोवाइड करता था, एक स्टॉपेज से लेके आप कहीं पे भी उसको सेफ प्लेस पे आप इसको प्लेस कर सकते थे, पूरे सिटी में इसका इनका नेटवर्क रहता था। तो अब वो खुद के स्कूटर के साथ आ रहे हैं, तो आई थिंक ये अपना ये जो पहले वाला जो इनका जो बिजनेस था वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो बैंगलोर में रहते हैं आई थिंक उनको बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में। तो गाइस, वॉलमार्ट ने अनाउंस किया है एमओयू विद एमपी गवर्नमेंट, और वो उनके एमओयू में क्या करेंगे, वो ट्रेन करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे डिजिटली एमएसएमई जो छोटे छोटे जो शॉप्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए। तो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ये दोनों इसके अंदर हेल्प करेंगे और इंडिया को और भी ज्यादा ऑनलाइन रिटेल के अंदर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंडिया के लिए काफी अच्छी और बड़ी खबर है। टाटा पावर को 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, जो कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ एक कदम और बढ़ रहे हैं इसकी तरफ, एंड इसके साथ साथ में उनको 120 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इनको बिल्ड करना होगा, और इसका टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आया है वो 945 करोड़ रुपीज है, एंड इनको विद इन 18 मंथ इसको कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों, ग्रीन एनर्जी की बात करें तो हम ईवी चार्जिंग स्टेशन को कैसे भूल सकते हैं हम, एंड अभी रिसेंटली
टाटा पावर ने टाई अप किया है अम्मा स्टेज एंड ट्रायल्स के साथ, जिसके अंदर वो इंडिया के फर्स्ट ब्रांडेड होम स्टे पोर्टफोलियो जो कि अम्मा स्टेज एंड ट्रायल्स हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, और वहाँ पे वो ओवर 30 चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे उनके विलाज एंड हेरिटेज बंगलोज में। तो बेसिकली उनको काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा अगर कोई ईवीज लेके आते हैं तो उनके चार्जिंग करने के लिए। बेसिकली ये ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ईवी को प्रमोट करेंगे उतना हम फ्यूल से जो कि क्रूड ऑयल से उन पर डिपेंडेंसी कम करेंगे। सो दोस्तों आज के बिजनेस इनसाइड न्यूज़ में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो प्लीज़ नीचे कमेंट करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।